हेलो व्यूअर्स, तो आज की क्लास में हम डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट? तो यहाँ पर हमें एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड विद ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स व्हेन एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 2, एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स when x lies between 2 and 3, right? So here we have to examine the differentiability of this function f of x at x is equal to 2, right? तो चलिए शुरू करते हैं, और इस यहाँ पर ये देखेंगे हम कि ये function x is equal to 2 पर differentiable है या नहीं है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि कोई भी function जो है वो किसी भी पॉइंट पर जो कि जो पॉइंट उसके डोमेन में होगा वो डिफरेंशिएबल होगा अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और राइट हैंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है, राइट? तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे कहाँ पर? एक्स इज इक्वल टू 2 पर, और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे एक्स इज इक्वल टू 2 पर. अगर दोनों डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं और फाइनाइट हैं और दोनों इक्वल हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो फंक्शन है दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 2, राइट? तो तब हम ये कह सकते हैं कि एफ प्राइम ऑफ 2 इट एग्जिस्ट, राइट? सो द कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट से एक्स इज इक्वल टू ए इज दैट द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव as well as the right hand derivative, both the derivative should exist and they should be equal, right? तो शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम right hand derivative calculate करते हैं. तो right hand derivative के लिए जो हमारे पास definition है वो है limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a divided by h, right? So this is the definition of right hand derivative, and here a is the point where we have to calculate the right hand derivative. तो यहाँ पर जो a है वो है 2, तो a is equal to 2 यहाँ पर substitute करते हैं. तो right hand derivative जो हमें मिलेगा वो मिलेगा limit h tends to 0 f of 2 plus h minus f of 2 divided by h, right? तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि मान लीजिए ये हमारी real number line है और यहाँ पर a is equal to 2 है. So when we are calculating the right hand derivative, it means we are approaching from the right of a is equal to 2, right? तो यहाँ पर जो सारी values जो 2 के right में होंगी वो 2 से बड़ी होंगी, राइट? तो यहाँ पर हमें सारी वैल्यूज 2 से बड़ी मिलेंगी. तो तब हम जो फंक्शन है उसका कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे? तब हम ये फॉर्म यूज़ करेंगे. सो व्हेन वी कैलकुलेट द राइट हैंड डेरिवेटिव देन द फंक्शन शुड बी टेकन एज एक्स माइनस 1 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, बिकॉज हियर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बट लेस देन और इक्वल टू 3, राइट? तो यहाँ पर हम जो f ऑफ x है उसकी ये वाली फॉर्म यूज़ करेंगे. तो राइट हैंड डेरिवेटिव जो हो जाएगा वो होगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस h. तो यहाँ पर x की जगह हम 2 प्लस h सब्सटीट्यूट करेंगे, तो क्या आएगा? 2 प्लस h माइनस 1, हियर विल टेक 2 प्लस h एंड माइनस 1, देन विल हैव ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 प्लस h, राइट? तो ये वैल्यू जो होगी वो f ऑफ 2 प्लस h हो जाएगी माइनस f ऑफ 2. तो अब हम यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 माइनस 1 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 एंड डिवाइडेड बाय h, राइट? तो अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया है. इस एक्सप्रेशन में अगर हम देखें तो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 प्लस h की वैल्यू जो है वो पहले असाइन करनी होगी. तो 2 प्लस h जो है, क्योंकि h जो है एक
पॉजिटिव क्वांटिटी है, दैट इज एच इज ग्रेटर देन जीरो एंड एच इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, राइट? सो 2+h इज स्लाइटली ग्रेटर देन 2 बट इट इज लेस देन 3. तो क्या होगा, 2+h जो है वो 2 और 3 के बीच में होगा. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसे अगर हम यहाँ पर यूज करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2+h जो होगा वो 2 आ जाएगा, राइट? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2+h की वैल्यू यहाँ पर हम 2 रखेंगे तो हमें मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1 1+h, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जो 2 होगा उसकी वैल्यू 2 आ जाएगी. तो यहाँ पर हमारे पास 2 मिल जाएगा एंड डिवाइडेड बाई एच. सो वी हैव नाउ लिमिट एच टेंस टू 0. तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2+2h-2 डिवाइडेड बाई एच. तो यहाँ पर हमें मिलेगा लिमिट एच टेंस टू 0, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे तो हमें मिल जाएगा 2h/h, और एच और एच कैंसिल हो जाएंगे तो लिमिट आ जाएगी हमारी 2, राइट? तो जो राइट हैंड डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू आ गई 2. तो चलिए अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए जो डेफिनेशन होगी वो होगी लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय माइनस एच, राइट? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू a, राइट? तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में हम क्या करेंगे कि विल अप्रोच फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ a इज इक्वल टू 2. तो यहाँ पर हम इस तरफ से अप्रोच करेंगे 2 की तरफ. तो जब हम लेफ्ट से a इज इक्वल टू 2 की तरफ अप्रोच करेंगे तो वो सारी वैल्यूज जो होंगी वो 2 से कम होंगी, राइट? तो जब 2 से कम होंगी तो देखिए यहाँ पर क्या है, x लेस देन 2 दिया हुआ है. तो इस लिमिट में जो फंक्शन की डेफिनेशन का हम यूज़ करेंगे अब, वो डेफिनेशन जो होगी वो ये होगी x टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, राइट? तो अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को इस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2-h माइनस f ऑफ 2 एंड डिवाइडेड बाय माइनस h, राइट? तो अब हमें यहाँ पर f ऑफ 2-h की वैल्यू निकालनी है और f ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी है. तो अब देखिए जो 2-h होगा, 2-h जो होगा वो 2 से कम होगा, राइट? तो जब 2 से कम होगा तो यहाँ पर देखिए x लेस देन 2 दिया हुआ है, तो f ऑफ x, जब x लेस देन 2 होगा तो f ऑफ x की जो फॉर्म हम यूज़ करेंगे वो x टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होगी, राइट? तो यहाँ पर हमें x की जगह क्या रखना होगा, 2-h रखना होगा. तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 और f ऑफ 2-h की वैल्यू यहाँ से मिलेगी हमें. तो हम लिख लेंगे 2-h एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2-h, राइट? तो अब हमें f ऑफ 2 की वैल्यू लिखनी है. तो देखिए f ऑफ 2 के लिए अब हम इस फंक्शन का यूज़ नहीं कर सकते, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, राइट? तो जैसे हमने राइट हैंड डेरिवेटिव जब कैलकुलेट किया था तो वहाँ पर हमने x इज इक्वल टू 2 पर जो f ऑफ 2 निकाला था वो इस फंक्शन से ही निकाल लिया था, राइट? यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव में हमने इसी फंक्शन का यूज़ किया था इस वैल्यू को निकालने के लिए और इस वैल्यू को निकालने के लिए, यानी कि f ऑफ 2+h माइनस f ऑफ 2 को जब हमने कैलकुलेट किया तो इसी फंक्शन का यूज़ किया था. लेकिन अब हम यहाँ पर f ऑफ 2-h है तो 2-h जो होगा वो 2 से कम होगा, तो 2 से जब कम होगा तो x लेस देन 2 है, तो ये फॉर्म यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है? लेकिन f ऑफ 2 निकालने के लिए अब हम इस फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर, राइट? क्योंकि x ग्रेटर देन और इक्वल टू जो 2 के लिए जो फॉर्म दे रखी है वो f ऑफ x दिया हुआ है, x माइनस 1 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, राइट? तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर,
f ऑफ टू निकालने के लिए इस फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 1, यहाँ पर रखेंगे x की वैल्यू 2, राइट। यहाँ पर नहीं रखेंगे x की वैल्यू 2, यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी का साइन दिया हुआ है और यहाँ पर केवल लेस देन x लेस देन 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए, तो 2 माइनस 1 हो गया और यहाँ पर आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 एंड डिवाइडेड बाई माइनस एच। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 माइनस एच दिया हुआ है हमें, इसकी वैल्यू असाइन करते हैं। तो देखिए, 2 माइनस एच जो है 2 से ऑब्वियसली कम होगा, क्यों? क्योंकि एच जो है पॉजिटिव है। तो जब हम 2 में से एच को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्वांटिटी जो होगी वो 2 से थोड़ा सा कम होगी, राइट। तो 2 से कम होगी 2 माइनस एच, लेकिन 1 से बड़ी होगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 माइनस एच को लिख सकते हैं 1, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 जो होगा वो 2 ही होगा, बिकॉज दिस इज द इंटीग्रल पॉइंट। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो लिमिट एच टेंस टू 0, ये आ जाएगा 2 माइनस एच, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 1, एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 इज 2, राइट। और यहाँ पर आ जाएगा माइनस एच। तो अब हम इस लिमिट को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें मिल जाएगा 2 माइनस एच, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस एच। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h ओवर माइनस h। तो h और h कैंसिल, माइनस और माइनस कैंसिल, सो वी आर लेफ्ट विथ 1, राइट। सो द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 1, राइट। सो व्यूअर्स, हियर वी हैव सीन दैट द राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2 is equal to 2, and the left hand derivative at x is equal to 2 is 1, and obviously 2 is not equal to 1, so we conclude that the right hand derivative is not equal to left hand derivative. तो यहाँ पर right hand derivative जो है वो equal नहीं है left hand derivative के, although the right hand derivative and left hand derivative both exist and they are finite, but they are not equal. Right? So we conclude that this function f of x is not differentiable at x is equal to 2. तो इस तरीके से हम इस केस में डिफरेंशिएबिलिटी को टेस्ट कर सकते हैं।